अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे आई एम गोइंग टू मेक पोटैटोज एंड एग करी। बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए हमारे पास हैं एग्स लिए 14 to 12, जिनको मैंने बॉईल कर लिया, हार्ड बॉईल कर लिया है मैंने एग्स को। और उसके अलावा मैंने लिए हैं इसके लिए पोटैटोज लिए हैं, 5 to 6 पोटैटोज लिए हैं, इनको 4 pieces में कट करके उसको भी बॉईल कर लिया है। और इसके बाद मेरे पास मौजूद है यगर्ट है 250 ग्राम, सॉल्ट 2 टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, और होल स्पाइस पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, और चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक, हल्दी है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, अनियन है 5 to 6 स्लाइस कट है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मैंने ऐड किया था, वो है 2 टेबल स्पून। व्हाट विल आई डू? फर्स्ट आई विल पोर ऑयल इन अ पॉट, और फिर मैं अनियन डाल दूँगी और फ्राई द अनियन अंटिल इट्स कलर टर्न इनटू गोल्डन ब्राउन। और इतना मैं अनियन को फ्राई करूँगी इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ अब मेरी अनियन कलर हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब मैं क्या करूँगी, अनियन मेरी ब्राउन हो चुकी है तो मैं इसको अब प्लेट में अलग निकाल लूँगी। जैसे कोरमे में करते हैं ना फ्राई करके निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम उन अनियन जो है इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। अनियन को हम फ्राई करके निकाल लेंगे अलग प्लेट में। देखें, मैं अब अनियन निकाल रही हूँ, अनियन मैंने निकाल ली, काफ़ी क्रिस्पी सी फ्राई हुई थी अनियन मैंने निकाल ली है। अब उसी ऑयल में मैंने जो पोटैटोज बॉईल करे थे वो भी मैं इसको डाल दूँगी। गर्म ऑयल में डालिएगा वरना चिपक जाएंगे। पोटैटोज डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी और इसके ऊपर एक हल्की सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी ब्राउन कलर की, और बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग नहीं भी करते हैं डालू में, लेकिन मैंने शुरू से देखा है और मुझे अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर ये लेयर आई हुई तो इसलिए मैं इसको बॉईल कर लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं जो बॉयल एग्स हैं उसको भी फ्राई कर लूँगी, बॉयल्स एग फ्राई कर लूँगी ताकि उसके ऊपर भी क्रिस्पी लेयर आ जाए। और ये मैं अपने एग्स फ्राई कर रही हूँ, ये देख लें आप मेरे एग्स पर, देखिए कितनी प्यारी सी ब्राउन कलर की लेयर आ गई है। अब मैं बनाऊँगी पेस्ट। किस चीज़ का बनाऊँगी? वो जो मैंने अनियन फ्राई करी थी वो लूँगी, और उसके अलावा मैं डालूँगी इसमें दही और तमाम मसाले जिनमें शामिल है मेरे पास हल्दी, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, और ये सब चीज़ें डाल के, और हाँ दही, और ये सब चीज़ें डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। कोरमे की तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अंडे आलू हैं गले गलाए होते हैं, पक्के पकाए होते हैं, तो प्याज अजीब सी भूखी मुँह में आने लगती है, तो इसलिए मैं इसका पेस्ट ही बना लेती हूँ। देखिए मैं अपना पेस्ट तैयार कर रही हूँ। देखिए मेरा पेस्ट होने लगा है तैयार। ये मेरा पेस्ट हो चुका है तैयार। अब वही ऑयल जो हमने यूज़ करा था उसमें मैं पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, ऑयल की शक्ल पे मैं जाइए, क्योंकि ये फ्राई हुई हैं चीज़ें, और दूसरा ये जो है आज इसकी वजह से इसकी काला हो गया था, लेकिन ये ख़राब नहीं है ऑयल बिल्कुल भी, वही ऑयल है जो मैं यूज़ कर रही थी। अब उसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने पेस्ट भी ऐड कर दिया। मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई का तरीकेकार आपको पता ही है कि तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए मेरी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मुराद कि मैं 1.5 glass पानी ऐड कर दूँगी, कि जितनी भी आप ग्रेवी रखना चाहें, चावल से खाना चाहें तो आप उसमें और ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे। मैं 1.5 glass ऐड करूँगी, पानी ऐड कर दूँगी, और इतना पानी मैंने ऐड कर दिया। मैं पानी ऐड करूँगी कि पानी में बॉईल आ जाए। और देखिए पानी में मेरे आ चुका है बॉईल, तो इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने पोटैटोज़ और अंडे उसमें ऐड कर दूँगी, और इतनी देर तक पकाऊँगी कि तेल मेरा ऊपर आ जाए। ढक के हल्की आँच पर ढक के पकाऊँगी कि तेल ऊपर आ जाए। हमारे अंडे आलू का सालन तैयार हो चुका है, देखिए कैसी उमदा शक्ल आई है। होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।